A very good morning to all of you, and I welcome you all once again. And the topic of today's discussion is Binet-Simon scale. Okay, we are dealing with the main topic intelligence, in which we are in the last portion of that topic, measurement of intelligence, in which we have already covered a general introduction about intelligence testing. And now today I'm going to discuss the very first reliable intelligence scale, which was created by Alfred Binet and Theodore Simon, Binet-Simon scale. Okay. So further update, kindly join my Telegram group Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh. This video will be in bilingual mode. Subscribe my channel, and this video will be useful for certain teaching examinations. So let's start. First of all, who was Alfred Binet? हम लोग बहुत बातचीत इंटेलिजेंस पर कर चुके हैं और उसमें कई बार अल्फ्रेड बिने साहब का नाम आया है. अल्फ्रेड बिने, उनका जीवन काल 1857 से 1911 रहा. ही वॉज ए फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट. और जब हम हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस आई थिंक पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था वहाँ कि अल्फ्रेड बिने ने कभी साइकोलॉजी में, प्योर साइकोलॉजी में उन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली, बट उनका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कि उनको वो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट के नाम से अब जाने जाते हैं. हु इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट रिलायबल इंटेलिजेंस टेस्ट. यानी कि जब भी आप इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, हमेशा अल्फ्रेड बिने का नाम आएगा. क्यों? क्योंकि पहला बुद्धि परीक्षण उन्हीं के द्वारा रचित किया गया है. बिनेज वर्क ऑन इंटेलिजेंस बिगेन इन 1904 में उन्होंने इंटेलिजेंस पे काम शुरू किया. क्यों, कब? व्हेन द फ्रेंच गवर्नमेंट कमीशन्ड हिम टू डेवलप a test लिखना था यहाँ पे, that would identify learning disabilities and other academic weaknesses in grade school students. मतलब कि उस वक्त फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूलिंग के बच्चे हैं, उन्हें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और कई सवाल वो गलत कर रहे हैं, और कैसे उनको एडिशनल सपोर्ट किया जाए. उस लिहाज से फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको ये टास्क दिया कि आप हमको लर्निंग डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करके बताइए और एकेडमिक वीकनेसेस. कहीं इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर नहीं थी. तो बिने विद द हेल्प ऑफ ए कलीग नेम थियोडोर साइमन टुक अप द डॉन्टिंग टास्क ऑफ ट्राइंग टू मेजर अप मेंटल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स. तो उन्होंने फिर ये काम शुरू किया अपने एक सहयोगी के साथ कि कैसे उनकी एबिलिटी डिसेबिलिटी को हम नाप सकें, डायग्नोज कर सकें. सो अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन बिलीव्ड इंटेलिजेंस टू बी लर्नेड एंटिटी. मतलब उन्होंने ये मानते थे वो लोग कि जो बुद्धि है वो एक सीखी हुई योग्यता है, मतलब उसको लर्न किया जा सकता है. दे बिलीव्ड दैट चिल्ड्रेन हैड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैन एडल्ट्स, देयरफॉर दे नीडेड टू बी मेजर्ड इन अ डिफरेंट वे. उनका विश्वास था कि जो बच्चे हैं उनकी जो बुद्धि का प्रकार होता है वो वयस्कों से कुछ विभिन्न प्रकार का होता है, इसलिए उसको नापा भी दूसरी तरीके से जाना चाहिए, विभिन्न तरीके से जाना चाहिए. देखिए यहीं पर अल्फ्रेड बिने पियाजे साहब को दिशा दे रहे हैं, जो कि अपने थेरी कॉग्निशन की थेरी में हमको बताते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की थेरी में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, कि जो बच्चा है वो वयस्क से विभिन्न प्रकार से सोचता है. तो उनको दिशा पियाजे को यहीं से मिलती है. Then this scale was originally created with the intent of classifying children as a means for them to receive special education. However, over time developed into a measurement of intelligence for all children. मतलब originally मूल रूप से ये किस लिए बनाया गया था? इसलिए कि हम बच्चों को classify कर पाएं कि किन तरीके के, किन बच्चों को हमको special education देनी है. लेकिन कालांतर में ये सभी बालकों के बुद्धि परीक्षण का एक मापनी के रूप में विकसित हो गया या प्रचलित हो गया. Then बिने ऑन इंटेलिजेंस. बिने साहब इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचते थे, उन्होंने इंटेलिजेंस की क्या धारणा थी उनके मन में? तो हिज कंसेप्शन ऑफ इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थॉट प्रोसेस. मतलब उनके अनुसार बुद्धि क्या थी, जो थॉट प्रोसेस थी, सोचने की प्रक्रिया, उसके तीन मुख्य गुण वो मानते थे. कौन कौन से? पहला, इट्स टेंडेंसी टू टेक एंड मेंटेन अ डेफिनेट डायरेक्शन. मतलब जो इंटेलेक्चुअल ये एबिलिटी है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो एक निश्चित दिशा में सोच सके, निश्चित दिशा में जा सके और मेंटेन रखे अपने आप को. देन द कैपेसिटी टू मेक अडेप्टेशंस फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड. यानी कि वो योग्यता जिससे हम अडेप्टेशन कर सकें, किस तरफ, सॉरी, पर्पस ऑफ अटेनिंग ए डिजायर्ड एंड. मतलब जो हम हासिल करना चाहते हैं उस उद्देश्य की तरफ अगर हमारा अनुकूलन करने की हमारे पास क्षमता है, देन वी आर इंटेलिजेंट इन अकॉर्डेंस टू बिने. एंड द पावर ऑफ
ऑटो क्रिटिसिज्म, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि हम अपनी गलती निकाल सके, ये क्षमता अगर हमारे पास है, हम अपनी गलतियों के बारे में सोच सकें, अपना अपनी आलोचना कर सकें, तो इंटेलिजेंट है, ये धारणा बिने की थी 1905 में, वो ये सब बातें कर रहे हैं। देन दी स्केल, क्या है ये स्केल, इसके तीन वर्जन आए 1905 में पहला, फिर 1908 में, फिर 1911 में। आपने अगर इनके जीवन काल पर दृष्टि डाली होगी तो 1911 में ही इनकी अनटाइमली डेथ हो गई, वरना ये निश्चित रूप से बहुत बेहतर हमको इंटेलिजेंस टेस्टिंग का एक हमको प्रारूप देकर जाते। वेल बाय 1905, तो जो पहला स्केल इनका आया, जो पहला वर्जन आया 1905 में, उसमें क्या था, बिने एंड साइमन डेवलप देयर फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट डिजाइंड टू मेजर इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि को नापने के लिए, मतलब उस वक्त किसके लिए था, लर्निंग डिसेबिलिटी को नापने के लिए इन्होंने 1905 में पहला वर्जन अपना पेश किया, जिसमें कि 30 टास्क थे। दिस स्केल इंक्लूडेड 30 टास्क दैट वर रफली प्रोग्रेसिव इन देयर डिफिकल्टी लेवल, मतलब और वो उत्तरोत्तर कठिनाई के क्रम में बढ़ते जा रहे थे, रफली प्रोग्रेसिव थे, मतलब एकदम एग्जैक्टली नहीं थे। तो 1905 में सिर्फ ये था, लेकिन 1905 में जब उन्होंने उसकी एनालिसिस की होगी, तब उन्होंने ये पाया कि एज के हिसाब से बच्चे सवाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मतलब अगर 3 साल के बच्चे जो सवाल, कौन से सवाल सही कर ले रहे हैं, फिर 4 साल के बच्चे कौन से सवाल सही कर रहे हैं, फिर अमूमन 5 साल के बच्चे कितने सवाल सही कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये 1908 में अपने ही टेस्ट के एनालिसिस पे इनको ये एज ग्रेडेड लेवल का कंसेप्ट यू कैन से कि इनके दिमाग में आया। इन 1908 बीने एंड साइमन रिवाइज्ड देयर इंटेलिजेंस स्केल सो दैट इट कंसीडर द एज ऑफ द पर्सन बीइंग टेस्टेड। तो इस वक्त जब ये 1908 में बना रहे हैं, तब इनके दिमाग में ये आया विचार कि हमको एज देखनी है पर्सन की, उस हिसाब से हम ग्रेडिंग कर पाएंगे, उस हिसाब से उनके सवाल बनेंगे और उसी हिसाब से उनकी योग्यता निर्धारित होगी। दिस रिविजन ऑफ द टेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू एज लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम 3 to 13, यानी कि 3 से 13 वर्ष के बालकों के लिए 1908 में उन्होंने एज के प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से बनाया। और इसमें क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज, सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ 56 टास्क एंड क्वेश्चन अडेप्टेड टू द केपेबिलिटीज ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रेन फ्रॉम 3 to 13 ईयर्स ऑफ एज एंड देयर पर्पज इज टू प्रोवाइड अ मेजरिंग स्केल वेयर बाई द इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड मे बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द एवरेज नॉर्मल चाइल्ड ऑफ द सेम एज, है ना। यानी कि 30 से बढ़कर 56 टास्क हो गए, 3 से 13 तक उन्होंने उसको व्यवस्थित कर दिया, और उसका बस उद्देश्य ये था कि हम ये देख सकें कि इनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल चाइल्ड के परफॉर्मेंस से कितना उसका हम कंपैरिजन निकाल सकें। तो हमको ये भी पता है कि अल्फ्रेड बिने का ही दिया वो कंसेप्ट मेंटल एज है, फिर हमको ये भी पता है कि इसी स्केल के परिणाम जो निकल कर आए उसके लिए IQ नाम दिया गया, फिर वो IQ नाम सभी टेस्ट पर के रिजल्ट्स पर, उसके स्कोर्स पर अप्लाई किया जाने लगा। तो ये सब कुछ उस वक्त चल रहा था। फिर 1911 में क्या हुआ, मतलब ये काम करते रहे और बाद में खुद ही उनको लगता रहा कि ये कमी है, इसको और सुधार सकते हैं और सुधार सकते हैं। तो 1911 में जब ये आए, शॉर्टली बिफोर इज अनटाइमली डेथ ही हैज एक्सपेंडेड दिस एज लेवल टू 3 to 15। अब इन्होंने 3 से 13 की बजाय एक और एज लेवल 15 ले लिया, बल्कि एक और उसमें जोड़ दिया एडल्ट, यानी कि पूरा लाइफ स्पैन एक तरीके से इन्होंने कवर कर लिया, लेकिन इसके बाद ये काम नहीं कर पाए बिकॉज इनकी डेथ हो गई, तो इसलिए इंटेलिजेंस पे और काम इनके द्वारा नहीं किया जा सका। ओके, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्यों ये बिने का टेस्ट जो है वही पहला रिलायबल इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाता है, उसके पहले भी बहुत से लोग बहुत काम कर रहे थे इंटेलिजेंस टेस्टिंग पर वो क्यों नहीं विकसित हुआ, सफल हुआ, पॉपुलर हुआ। उसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं जो कि इस टेस्ट की, इस स्केल की विशेषता है, जो कि इनके प्रीवियस काम करने वाले उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। पहली बात, द यूज ऑफ एज स्टैंडर्ड्स, जब एज स्टैंडर्ड की बात, नॉर्म की बात पहली बार अल्फ्रेड बिने ही कर रहे हैं। बिने वॉज द फर्स्ट टू यूटिलाइज द आइडिया ऑफ एज स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स इन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके पहले बुद्धि के नापने में कहीं एज की बात नहीं की जा रही थी, कहीं किसी मानक की बात नहीं की जा रही थी। अपेरेंटली द आइडिया ऑफ एन एज ग्रेड मेथड एज दिस इज कॉल्ड डिड नॉट कम टू द बिने हिमसेल्फ। उनको खुद भी ये दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था जब तक कि उन्होंने पहला 1905 वाला नहीं बनाया। अंटिल ही हैड एक्सपेरिमेंटेड विद इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर सम 15 ईयर्स, 15 सालों तक वो काम करते रहे इस पर, नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने पहला प्रोविजनल स्केल बनाया 1905 में और उसकी एनालिसिस की तो इनको एज ग्रेड वाला मामला समझ में आया, इसीलिए 1905 वाला एज ग्रेड के हिसाब से नहीं बनाया, 1908 वाला बनाया है ना। फिर द काइंड ऑफ, यहाँ भी देखिए एज की जगह एफ आ गया है ना,
गलती हो जाती है टाइपिंग में। द काइंड ऑफ मेंटल फंक्शंस ब्रॉट इन टू प्ले, ये मेंटल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इसके पहले मेंटल फंक्शंस की, इस तरीके के मेंटल फंक्शंस की बात नहीं की जा रही थी। बिने टेस्ट डिफर फ्रॉम बिनेज होना चाहिए, बिनेज टेस्ट डिफर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अर्लियर अटेम्प्ट्स इन दैट दे आर डिजाइंड टू टेस्ट द हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस इंस्टेड ऑफ द सिंपलर एंड मोर एलिमेंट्री वंस। यानी कि ये सरलतम और एलिमेंट्री गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हायर और मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। ये काम पहले ही नहीं किया गया था, इसलिए भी ये विशिष्ट हो जाता है। एंड देन बिने वुड टेस्ट जनरल इंटेलिजेंस, ये जी की बात कर रहे हैं। इसके पहले के लोग क्या बात कर रहे थे, फैकल्टी साइकोलॉजी, मेंटल फैकल्टी की, बस ए कंपोजिट कोई स्ट्रक्चर है, इस तरीके की बात की जा रही थी। तो बिनेज सक्सेस वॉज लार्जली ड्यू टू हिज एबंडनमेंट ऑफ द ओल्डर फैकल्टी साइकोलॉजी, इन्होंने फैकल्टी साइकोलॉजी को छोड़ा, और जबकि अदर्स मतलब कि दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो मेमोरी, अटेंशन, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन को सेपरेट फैकल्टीज मान रहे थे, फंक्शंस मान रहे थे, पर बिने ने क्या किया, बिने अंडरटुक टू एसर्टेन द जनरल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन इन्होंने जी के हिसाब से इसको मापने की कोशिश की, जो उस वक्त का प्रचलित, जो उसके बाद प्रचलित हो गया, चार्ल्स स्पीयरमैन बात करते हैं जी की, और उसके बाद बहुत लोग बात करते हैं जी की। तो ये तीन जो हैं विशिष्टताएं हैं बिने साइमन स्केल की, जो उसको अन्य स्केल से, अन्य टेस्ट से विशिष्ट बनाती है, इसीलिए ये पहला फर्स्ट हमारा रिलायबल इंटेलिजेंस टेस्टिंग बनता है। देन क्रिटिसिज्म भी बहुत है इसकी, आलोचना है ना, किसी भी चीज की सिर्फ तारीफ नहीं हो सकती, आलोचना क्या है, ये क्या कर रहा है, प्रीडोमिनेंटली रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स एबिलिटी टू यूज वर्ड्स फ्लुएंटली एंड ओनली इन स्मॉल मेजर His ability due to acts. देखिए अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि इन्होंने किस तरीके के सवाल लिए ना, कि तीन साल का बच्चा क्या कर सकता है, फिर चार साल का बच्चा क्या कर सकता है, कुछ उसके जनरल टास्क, जैसे तीन साल का बच्चा अपने सेंस ऑर्गेन बता सकता है, कितने वर्ड रिपीट कर सकता है, छह लाइनें की छह शब्द रिपीट कर सकता है, कुछ इस तरीके से है, फिर चार साल का उससे ज्यादा रिपीट कर सकता है, पांच साल का उससे ज्यादा रिपीट कर सकता है, इस तरीके के इन्होंने सवाल बनाए हैं अपने उसमें। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंफेसिस इस पे दिया कि हम कितना वर्ड्स फ्लुएंटली बोल सकें, ये एबिलिटी को ज्यादा ध्यान दिया गया है। फिर ग्रेट वेटेज टू गिवन टू टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू रिपीट वर्ड्स एंड नंबर्स, है ना, कि हमने आपको इतने शब्द दिए, आप उसको कितनी जल्दी, कितना स्मूथली, कितना कम टाइम में फिर से रिपीट करके सुना रहे हैं। तो वर्ड्स की फ्लुएंटी, यू कैन से कि वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करने पर इन्होंने ज्यादा बल दिया है। फिर मोर वेटेज टू पजल टेस्ट, पजल टेस्ट पे बहुत इन्होंने बल दिया है। देन अनरीजनेबल इम्फेसिस इज गिवन टू टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स की डिफिनीशन पर भी ज्यादा अनड्यू इम्फेसिस दिया गया है, एंड मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड्स रीसेंट एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस, और जो बालक का तात्कालिक एकदम अप टू डेट एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस है उस पर पूछे जाने वाले सवाल ज्यादा हैं। तो ये क्रिटिसिज्म है, क्योंकि सब कुछ तो सही किसी चीज में नहीं हो सकता है, तो इस तरीके के सवाल ज्यादा हैं यू कैन से, और बाकी चीजों को कम कवर किया गया है। बिने साहब खुद भी अपने टेस्ट के बारे में कुछ रिफ्लेक्शन करते थे, क्या करते थे, बिने इज रिफ्लेक्शन ऑन हिज टेस्ट, उन्होंने क्या सोचा देखा अपने टेस्ट का परावर्तन, कि अल्फ्रेड बिने इज ऑफन साइटेड इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री, ठीक है, हिज इंटेलिजेंस स्केल सर्व एज द बेसिस फॉर मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट, जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट बाद में बनते हैं वो बिने साहब के एडेप्टेशन पे ही बन रहे हैं, बट ही डिड नॉट बिलीव दैट His test लिखना था, ये कैसे कभी गड़बड़ हो जाता है, that his test measured a permanent or inborn degree of intelligence, लेकिन ये खुद भी विश्वास नहीं करते थे कि जो इनका परीक्षण है वो एक inborn degree of intelligence को नाप रहा है। फिर और क्या ये अपने टेस्ट में कमी पाते हैं, he believed that the intelligence test he had designed had limitations, ये खुद मानते हैं कि ये जो परीक्षण बना है उसमें कई सारी कमियां हैं, he believed that intelligence is just too complex to convert into a single quantitative measure, ये मान रहे हैं कि इंटेलिजेंस को इतना आसान नहीं है कि हम एक टेस्ट पर आपका स्कोर निकाल कर बता दें कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। He also believed that intelligence is not fixed, ये भी मान रहे हैं कि इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि शुरू से ही मान रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, लर्न आइडेंटिटी है, यानी आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंटेलिजेंस क्रमवार बढ़ जाएगी। Then he believed that one could not make solid conclusions about intelligence by only looking at how children score on one test. फिर ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं आप निर्णय निकाल सकते हैं सही सिर्फ एक टेस्ट पे छात्र का, बच्चे का स्कोर देखकर कि वो कितना इंटेलिजेंट है, यानी कि वो खुद मान बहुत सारी कमियों को उनको दिख गई थी उनके टेस्ट में खुद ही, और अगर वो और जीवित रहते तो निश्चित रूप से बेहतर परिमार्जित परफेक्शनिस्ट हमको अपना नया टेस्ट दे सकते थे। Then how can we conclude?
वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट बिने साइमन स्केल इज अ टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग द रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस स्पेशली ऑफ चिल्ड्रेन कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड टास्क्स ग्रेड्स विद रेफरेंस टू द एबिलिटी ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड टू डील विद देम एट सक्सेसिव एज लेवल्स. मतलब ये एक परीक्षण है, एक मापनी है जो कि रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का सुनिश्चितीकरण कर रही है, स्पेशली चिल्ड्रेन के केस में, बच्चों के केस में, जिसमें कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे, टास्क होंगे और वो ग्रेडेड होंगे किसके हिसाब से, एज के हिसाब से. और नॉर्मल चाइल्ड कैसे उसको डील कर रहा है सक्सेसिव एज लेवल पे, उस हिसाब से हम कंपेरिजन करके बता देंगे कि आप कहाँ. इसीलिए तो जो IQ का फॉर्मूला बन के आता है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 ना, कि हम मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से हमारी मेंटल एज कितनी है, ज्यादा है कम है, उस हिसाब से हमारी IQ कम ज्यादा आती है. ओके, सो वी हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक इंटेलिजेंस टेस्टिंग दैट इज बिने साइमन स्केल, है ना. बहुत सवाल इस पे पूछे जाते हैं कितने वर्जन हैं, 1905 में पहला आया, फिर 1908 में आया, 1911 में आया, 1905 में कितने टास्क थे, 1908 में क्या था, तीनों में क्या अंतर है, कौन इनके सहयोगी रहे हैं, साइमन रहा है इस पे कितने अडेप्टेशन पे, कब कब क्या क्या बनाए, बहुत सवाल बनते हैं इस पर. और वैसे भी हमको पता होना चाहिए. तो इंटेलिजेंस में अब हम मेनली तीन बातें और करेंगे, स्टैनफर्ड बिने, डेविड बेशलर एंड भाटिया बैटरी. फिर हमारा एक मैमूथ टास्क खत्म हो जाएगा इंटेलिजेंस का. इट वाज अ ह्यूज यू कैन से टॉपिक एंड कवर सो मेनी डायमेंशंस. ओके, सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप टू. ओके, डन फ्रॉम माय साइड.